देखो सीजन 14 का आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार रहा, धमाकेदार रहा, और हो भी क्यों ना, कैप्टेंसी की दावेदारी मिल चुकी है घर के पुराने कैप्टन्स को और खूब जीत तोड़ मेहनत की जा रही है एक दूसरे को कैप्टन बनाने से रोकने के लिए। काफी ज्यादा धमाल मस्ती तो साथ ही साथ में काफी धमाचौकड़ी भी, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े तो वहीं, रिश्ते टूटे तो कुछ नए रिश्ते बने भी, और इस तरीके से इन सब चीजों ने मिलकर आज के एपिसोड में एक अलग तड़का डाला, अलग रोमांच पैदा किया जिसने की आज के एपिसोड को बनाया काफी ज्यादा एंटरटेनिंग। लेकिन अगर आपसे फिर भी आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया, और चलिए बातचीत करते हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, कैप्टेंसी का टास्क जो था वो रद्द हो गया था। घर वाले अपने इस दुख के साथ कि वो कैप्टेंसी के दावेदार नहीं बने, वो सो गए। अगले दिन की शुरुआत हुई एक मजेदार गाने के साथ। घर वाले झूमते नाचते गाते हुए नजर आए, और साथ ही में हर किसी के मन में वही सवाल था कि अब क्या होगा, घर का कोई कप्तान बनेगा या नहीं, घर के कामों को लेकर वही परेशानियां। लेकिन फाइनली बिग बॉस ने एक अलग तरीके की कर दी है घोषणा। घर में बताया कि जो पुराने कैप्टन रह चुके हैं, यानी कि कविता कौशिक, अली गोनी, जैस्मिन भसीन और एजाज खान, ये होंगे कैप्टनसी के अगले दावेदार, और अगर इन्हें अपनी कैप्टनसी को बनाए रखना है तो बॉक्सेस में लंबे समय तक बने रहना होगा। एजाज का कदना चोटिल था तो उनके दावेदार बनकर सामने आई पवित्रा पुनिया, और उन्होंने बॉक्स में रहकर एजाज के लिए खेलना शुरू किया। टास्क में काफी ज्यादा बातों से बातें हुई, तो साथ ही साथ मिर्ची मसाला डालना, ऑयल डालना, पेपर स्प्रे डालना, ये सब चीजें भी काफी ज्यादा हुई। लेकिन यहाँ पर खुद राहुल वैद्या जो कि टास्क में होते हैं संचालक, वो भी अपने संचालन का गलत फायदा उठाते हुए नजर आते हैं और पवित्रा पर प्रहार करते हैं। सभी इस बात का विरोध करते हैं, तो राहुल वैद्या का कहना होता है कि जाके फाइल पढ़ो, जो लिखा है वही कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि एजाज आप कैप्टन बनो। और इस तरीके से काफी ज्यादा चीजें आगे बढ़ती हैं। तो साथ ही में अली गोनी खुद से ही स्टार से बाहर हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर वो अपना गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो वही दूसरी तरफ जान कुमार सानू कविता पर लगातार प्रहार कर रहे होते हैं, यार प्लीज अब तो काफी हो गया ना, सांस लेने दे, क्या कर रहा है तू। तो जान कहते हैं कि मेरे को नहीं करना है, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और मुझे रोको मत। निकी उन्हें बार बार में रोक रही होती है, तो कविता कहती है कि निकी मत कर, उसको जो करना है सो करने दे, क्योंकि वो गलत दिख रहा है, मैं नहीं, मैं अपना 100% दूंगी। रूबीना भी उन्हें समझाती है, तो जान कहते हैं देखो आपने हर एक टास्क में अपना 100% दिया, तो अब मैं अब इस टास्क में फाड़ने वाला हूं, और मैं किसी की नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुझे कविता कैप्टन के तौर पर नहीं चाहिए। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जब मैं खुद को उबारने की कोशिश करता हूं, बेटर करने की कोशिश करता हूं, तो ये वही घर वाले हैं जो हमेशा मेरी लैग पुल करते हैं और मुझे खींच लेते हैं वापस, मुझे अच्छा करने का मौका ही नहीं देते हैं। राहुल वैद्या यहाँ पर जान सानू की दुखती रख पर हाथ दबा देते हैं और बोलते हैं एजाज भाई की फर्स्ट प्रायोरिटी तो तू ही होगा ना, तुझे बचा लेंगे ना वो। यहाँ पर जान को ये बात इतनी ज्यादा लग जाती है कि वो अपने इमोशंस में बह जाते हैं, रोना शुरू करते हैं, साथ में बातें कहना भी शुरू करते हैं कि एजाज भाई के लिए बेशक मैंने हर बार सपोर्ट किया है, उनके साथ खड़ा रहा हूँ, अपना भाई वाला प्यार दिखाया है, लेकिन मैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं हो सकता हूँ। वो फेक इंसान है, वो गेम के लिए सारी चीजें करते हैं, अलायंस बनाते हैं, लेकिन वो मेरे कभी नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा गलत ही करते हैं, ना सिर्फ एजाज भाई लेकिन यहाँ पर हर किसी के साथ मैं दोस्त रहा हूँ ना, तो उन्होंने हमेशा ही मुझे धोखा दिया है, मैं कभी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहा हूँ, ना होऊंगा और ना ही अभी मैं हूँ। यहाँ से भविष्य में चला भी जाऊँ ना तो भी यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो रोना शुरू कर देते हैं, और इस तरीके से घर में काफी ज्यादा धमाल होता है, और धीरे धीरे करके आली और एजाज दोनों ही रास्ते बाहर हो जाते हैं। कभी तो कौशिक और जैस्मिन भसीन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है, और अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से कौन होगी वो अगली कप्तान जो एक बार फिर से अपनी कैप्टनशिप को संभालेगी, घर को संभालेगी। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर दिन हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स लेकर आते रहेंगे तो 5 खबरें और बाकी दूसरी अपडेट्स। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बाकी दूसरी खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।